हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। तो गाइस एक और वीडियो में आपके लिए आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से। तो आज हमारे पास आई हुई है ऑल न्यू अर्टिगा 2022 और मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला कि हमने क्या क्या करके दिया है। तो बात कर लेते हैं राकेश भैया से। तो राकेश भैया हमारे को बताएंगे कि हमने इस कार में बेसिकली करके क्या दिया है। तो भैया इस कार में जो हमारी अर्टिगा रहने वाली है, लेटेस्ट 2022 मॉडल रहने वाला है जिसके हम देख सकते हैं, तो उसमें हमने करके क्या क्या दिया है वो आप बताओ। हमें बेसिकली जो काम है एक्सटर्नल काम है जिसमें हम क्रोम का ज़्यादा आइटम हम यूज़ किए हैं, जिसमें कि हेडलाइट का आप क्रोम देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। हेडलाइट के ऊपर जो क्रोम है वो इंस्टॉल किया है लीक कंपनी का। तो एक क्रोम लीक कंपनी का जो हमने हेडलाइट लगाया है, तो इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आती जैसे कि इसमें नहीं, कोई, कोई रस्टिंग हो जाए कुछ? गारंटी के साथ है कि क्रोम में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। अच्छा, तो ये हमने क्रोम बढ़िया कंपनी का लगाया, लीक कंपनी के क्रोम हमारे रहने वाले और इसकी शाइन आप देख सकते हैं। बेसिकली जो क्रोम का रहता है ना वो उसकी शाइन रहती है, तो इसकी शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त की शाइन हमें देखने को मिल जाती है। जैसे जो हमारी कार रहने वाली है वो ब्लू कलर की कार यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, उसके साथ अगर ये क्रोम की मैं बात करूँ तो इसकी तो शाइन रहने वाली बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कार के साथ देखने में, जिसका आपको मैं दिखा देता हूँ एक साइड से। तो और हमने भैया इसमें क्या क्या करा है बताओ। यहाँ पे हमने फोग लाइट का जो क्रोम है वो इंस्टॉल करी है। यहाँ पे बाय ऑप्शन है आपके पास कि यहाँ पे आप फोग लाइट विद DRL भी इंस्टॉल करवा सकते हैं इस साइड इस टाइप से। ये आपके DRL हो जाएंगे, ये पार्ट हट जाएगा, इसके ऊपर क्रोम नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप DRL लगवा सकते हैं इंस्टॉल कर रहा है। जैसे हमने एक और अपने वीडियो में दिखाई थी, जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स वाले जो DRL रहते हैं वो हमने लगाए थे यहाँ पे एक बार, बिल्कुल तो उसकी जगह हमने यहाँ पे मैट्रिक्स वाले DRL ना लगा के, क्योंकि जो हमारे ओनर है उनकी पसंद क्रोम है, बेसिकली क्रोम की चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। हाँ, जो ऑनर है गाड़ी के उनको क्रोम के आइटम पसंद है, हम यहाँ पे क्रोम के आइटम इंस्टॉल करिए। फोग लाइट का जो रिम है ये भी लाइक एज क्रोम में लगवाया है एंड यहाँ पे मिंडा का हमने फोग लाइट इंस्टॉल करी है। अच्छा, जो ये रिंग है ये भी हमने क्रोम लगाया है यहाँ पे, ये हमने लगाया है जी बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो DRL वाला पोर्शन रहने वाला है इस पर भी हमने क्रोम वर्क करके दिया है, ये भी हमारे लीक कंपनी का रहने वाला है। और साथ में जो हमारे जो ये फॉग लाइट की जो रिंग रहने वाली है आप देख सकते हैं, इसमें भी हमने क्रोम वर्क करा है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने मिंडा के फॉग लैंप्स भी इंस्टॉल करे हैं, जिसमें हमें बाय डिफॉल्ट हैलोजन लैंप्स मिलते हैं येलो कलर के देखने के लिए। तो इसका भी रिस्पॉन्स मैं आपको चेक करवा दूंगा कि कैसा इसका रिस्पॉन्स रहने वाला है। और भैया जो ये हमारी फॉग लैंप्स है इसके साथ हमने रिले वायरिंग करी है। हाँ, रिले वायरिंग फॉग लाइट के साथ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो हमने इंस्टॉल करी है गाड़ी के अंदर। फॉग लाइट का रिले वायरिंग होता है, काफ़ी सेफ्टी की चीज़ होती है, वो हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी है। तो जैसे हमारी कार चाहे टाटा की हो या सुजुकी की, हमें रिले वायरिंग एक तरह से करवा लेनी चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए एक तरह से, है ना। सभी गाड़ियों में आप रिले वायरिंग यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी गाड़ी सेफ हो जाती है। अच्छा, तो हमने रिले वायरिंग के साथ यहाँ पे जो हमारे फॉग लाइट्स रहने वाले हैं मिंडा कंपनी के, वो हमने इंस्टॉल करके दे दिए, जिसका रिस्पॉन्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो भी आप साइड में आ जाते हैं थोड़ा, इस साइड से हमें बता दीजिए हमने क्या क्या इसमें करके दिया। साइड में जो हमने करी है ये देखिए, साइड मिरर का कवर जो है क्रोम में हमने इंस्टॉल करी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही होगी। आप देख सकते हैं इंडिकेटर वाली है, तो इंडिकेटर पार्ट जो है ये आप में स्पेसिफाई हो गया है। और ये भी हमारा लीक कंपनी का रहने वाला है। तो आप ORVMs के भी कवर यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमें जो इंडिकेटर हमारा साइड का रहता है इसकी भी कटिंग यहाँ पे हमें मिल जाती है देखने को। तो इसके भी लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है देखने में हमें। एंड आफ्टर दैट जो हमने इंस्टॉल करी है इसमें लाइक जो विंडो फ्रेम किट जो है वो इंस्टॉल करी है, वो देख रहे हैं ये 6-8 पीसेस में आता है। तो गाइस यहाँ पे विंडो गार्निश लगाई है, जो हमारा बिल्कुल जो हमारा विंडो का जो फ्रेम होता है उसके नीचे पूरे एंड तक लगती है, यहाँ तक एंड तक होती है। और साथ जो हमारा ये पिलर होता है इस पे भी हमें यहाँ पे देखने को ये मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त रहने वाली है। इसकी शाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली हमारा फेस भी हम देख सकते हैं अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो। और ये बिल्कुल पूरा पीछे तक आता है, बिल्कुल साइड तक। एंड आफ्टर दैट हमने हैंडल क्रोम इंस्टॉल करी है यहाँ पे हैंडल क्रोम, और ये हमारा हैंडल क्रोम रहने वाला है आप देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग आपको अगर मैं थोड़ा साइड से भी दिखाऊं तो एंड टू एंड जो इसकी फिनिशिंग रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा हमें ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और ये हमारे चारों डोर्स में ही देखने को मिल जाती है। तो हमारी अर्टिगा की जो हमारी प्रॉपर रहती है वो वाली साइड बिल्डिंग है ये, और इसमें भी हमें क्रोम पोर्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे कस्टमर को क्रोम पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो क्रोम वर्क हमारा रहने वाला है वो हमारा मेन काम है यहाँ पे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमें पूरा क्रोम वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर रूफ की बात करें तो इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं अभी रूफ रेल्स। एंड आफ्टर दैट बैक की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पॉइलर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। स्पॉइलर भी वेस्टर्न कंपनी है, काफ़ी ग्लोसी है, अगर गाड़ी है तो ग्लोसी में हम लोग यहाँ पे स्पॉइलर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें ये ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे सेम हमें ये स्पॉइलर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका रिस्पॉन्स मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि कैसा रहने वाला है। और इसमें हमें लाइट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी वर्किंग मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और साथ में यहाँ पे रूफ रेल्स भी लगने वाले हैं, जिन्होंने जो हमारा लुक होता है अर्टिगा का उसमें हमें यही देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीचे की साइड ब्लैक हो गया, ऊपर की साइड सिल्वर हो गया। तो ये पूरा लुक हमारा रहने वाला है, वही लुक पूरी यहाँ पे मेंटेन करके दिया है।
एंड आपको अगर इसमें चाहिए व्हील कैप तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सर की डिमांड थी कि इन्हीं व्हील कैप को जो ओरिजिनल है इन्हीं को आप ग्लोसी ब्लैक कर दो, तो हमने इसको ग्लोसी ब्लैक व्हील कैप करके यहाँ पे इंस्टॉल करा है। हाँ, तो ये जो व्हील कैप रहते हैं हमारे सिल्वर कलर में हमें देखने को मिलता है ना कंपनी से, सिल्वर में और ब्लैक में कॉम्बिनेशन में भी आपको मिल जाएंगे और डिजाइन मिल जाएंगे, बट सर की डिमांड थी कि आप हमें इसी व्हील कैप को जो ओरिजिनल है हमारे इसी को ग्लोसी ब्लैक कर दो, इसी ग्लोसी ब्लैक करके यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी। ये भी देख सकते हैं आप व्हील कैप कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है यहाँ पे देखने में, जैसे कार का कलर जो हमारा ब्लू है तो उसके साथ जो ब्लैक कलर रहता है ना वो बहुत ज्यादा कंट्रास्ट करता है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। तो एक बार साइड से अगर मैं आपको लुक दिखाऊं तो ब्लैक ब्लैक जो व्हील्स हमारी रहने वाले इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लगता है। रेन वाइजर जहाँ पे हम लोगों ने क्रोम लाइन में इंस्टॉल करी है, देख सकते हैं इसकी भी लुक काफी अच्छी है। तो ये रेन वाइजर जो रहने वाले हमें 6 पीसेज में देखने को मिलते हैं अर्टिगा के लिए प्रॉपर, जो कि हमारे क्रोम लाइन में ही रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो क्रोम हमारा रहने वाला है वो हमारा मेन चीज़ रहने वाला है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी का यहाँ पे हमें रेन वाइजर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें मड फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड थे। अगर आपकी कार में मड फ्लैप्स नहीं है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि मड फ्लैप्स आप ज़रूर से लगवाएं, क्योंकि जो हम जैसे कि कीचड़ वाले रास्ते पे जाते हैं और कीचड़ बहुत सारा उड़ता है तो उससे हमारी कार को ये कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर देता है और बहुत ही अच्छा रहता है ये चीज़, तो ये आपको ज़रूर ही लगवा लेना चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी अर्टिगा के अंदर। तो सबसे पहले हमारा डोर ओपन करते हैं, हमारा वेलकम होता है वेलकम प्लेट्स के साथ। तो हमारी ब्लू कलर में वेलकम प्लेट्स रहने वाले जिनका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, और रिस्पॉन्स जो हमारा ये नाइट टाइम हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा गाइस अमेजिंग रहता है। पिछले डोर्स में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पिछले डोर्स में हमें थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है जिस पर हमें अर्टिगा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अमेजिंग लगता है देखने में। तो चलते हैं कार के अंदर, राकेश भी अंदर ही बैठे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीट कवर्स की और स्टेयरिंग रैप उसकी। तो ये हमारे जो कस्टमर थे प्री इंस्टॉल्ड उनको मिले थे कंपनी की तरफ से, ये सीट कवर्स भी मिले थे और साथ ही साथ ये स्टेयरिंग रैप ये भी कंपनी की तरफ से ही मिला था। तो बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की, हमने इसमें करके क्या क्या दिया। तो राकेश भाई हमने इसमें और क्या क्या करके दिया है सीट कवर्स और ये स्टेयरिंग रैप के अलावा, क्योंकि ये तो उनको कंपनी की तरफ से मिला था। कस्टमर का जो डिमांड था वो और कुछ ज्यादा डिमांड था नहीं, तो उनको एक बस नॉर्मल सा एंड्रॉइड इंस्टॉल करवाना था, जो कि हमने जोटो की कंपनी के एंड्रॉइड लगा के यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए है इनको, काफी अच्छा है। तो जो कि 2 GB RAM 16 GB इंटरनल मेमोरी में है, इसकी भी रिस्पॉन्स आप देख लीजिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, टच वगैरह चेक कर सकते हैं आप, वीडियो क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं सारी चीजें। तो इसके साथ हमने रियर कैमरा भी इंस्टॉल करा है, कैमरा भी हमने इसके साथ इंस्टॉल किया है पैनासोनिक की, जो कि नंबर प्लेट के ऊपर हमने लगाया है, गट्टू कैमरा जिसे बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, तो ये नंबर प्लेट के ऊपर हमारा कैमरा लगा है और ये हमारा सिस्टम रहने वाला है जो कि हमारा जोटो का रहने वाला है, 2 GB RAM और 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसका टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका टच रिस्पॉन्स मेरे को लग रहा है, बेसिकली पर्सनली यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड्रॉइड ये रहने वाला है। इसके साथ हमने बैक कैमरे भी कनेक्ट करा है। तो अगर मैं आपको कैमरे की रिस्पॉन्स चेक कराऊँ तो हमें बस गियर डालना है रिवर्स में और ये हमारा कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है इसकी, इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। भैया ये तो हो गया हमारा सिस्टम जी, बिल्कुल। तो इसको हम नॉर्मल न्यूट्रल मोड पर कर देते हैं। हाँ, तो और हमने इसमें क्या क्या करके दिया है, हमने एक आर्मरेस्ट इंस्टॉल करी जो कि बेसिकली वेज कलर में है, इसकी स्टिचिंग भी वेज कलर में इनको चाहिए थी वो वेज कलर में है, और ये यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग भी है, ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे आपका ग्लास होल्डर हो गया और पीछे हमें इसके थोड़ा वो भी मिल जाता है ना स्पेस, जैसे कि हमें कुछ पेन ड्राइव वगैरह हमारा कुछ रखना हो, बाकी चीज़ें कुछ रखनी हो, छोटी मोटी चीज़ें ऐश ट्रे मान लो, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे को ग्लास होल्डर भी एक देखने को मिल जाता है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला भी पोर्शन रहता है ये भी हमारा एडजस्टेबल रहता है, स्लाइडिंग स्लाइडेबल होता है ये, तो इसको जैसे अगर बैठते हैं कंफर्टेबल के लिए आप इसको स्लाइड करके आगे कर सकते हैं कभी भी। अच्छा, एंड आफ्टर दैट अगर बाय द वे आपको यूज नहीं करनी है ये चीज़ें तो आप इनको यहाँ पे खड़े कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इसको पीछे भी कर सकते हैं अगर जैसे कि हमें यूज नहीं करना है आमरेस, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए ऐसे, मेरे को हैंड नहीं रखना है किसी चीज पे, तो हम इस आमरेस को पीछे भी कर सकते हैं, और जैसे मेरे को फिर से यूज करना है तो इसको मैं आगे कर सकता हूँ वापस से। यहाँ पे एक लॉक होता है जो कि इसको काफी कम्फर्टेबल होता है, जो कि ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। अच्छा अच्छा, तो नीचे हमें लॉक भी एक देखने को मिल जाता है जिससे ज्यादा मूव नहीं करता है। अब जैसे कि मैं इस पर अपना हैंड रखता हूँ तो मेरे को लगता है कि जैसे ये बहुत ज्यादा पीछे है, इसको एडजस्ट करके मैं आगे भी ला सकता हूँ ऐसे, तो अब मैं बिल्कुल कम्फर्टेबली बैठा हूँ और जहाँ पे भी मेरे को ट्रिप पर जाना है उसके लिए मैं आराम से निकल सकता हूँ। और इसी में हमें छोटा सा स्पेस भी देखने को मिल जाता है जिसमें हम छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस हमें देखने को मिल जाता है जिसके आप देख सकते हैं। और जिसका कलर जो बेज रहने वाला है वो हमारे इंटीरियर के मैचिंग का रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटीरियर में हमें यहाँ पे पूरा बेज मिलता है, थोड़ा ब्राउन टेक्सचर मिल जाता है,
और यहाँ पे हमें बेज ही देखने को मिल जाता है। तो भैया ये चीज मेरे को थोड़ी अलग सी लग रही है, तो इसमें हमने कुछ करा है या फिर ये कंपनी की तरफ से हमें मिला? नहीं, ये हमने वुडन किट कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है, ये हमने वुडन किट जो है इंस्टॉल करी है। इसकी भी काफी प्रीमियम लुक दे रहा है, लग रहा होगा आपको, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, एंड ये वाली पार्ट हो गई आपकी, और ये सारी पार्ट जो है ना हमने खुद से इंस्टॉल किया अभी। अच्छा, तो ये पार्ट हमें कंपनी से लग के नहीं मिला, ये हमने आफ्टर मार्केट अभी हमारी शॉप पे लगाया है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या होता है, पूरा किट ही आता है? जैसे मेरे को सिर्फ ये चाहिए तो ये नहीं मिलेगा, पूरा किट मिलेगा? नहीं, पूरा किट ही मिलेगा आपको। अच्छा, तो आप देख सकते हैं गाइस ये कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है यहाँ पे। तो पहला जो हमारा लुक था वो बिल्कुल ही प्लेन सा बेज ही रहने वाला था ना, तो बेज हट के एक कुछ नया लुक आ जाता है, जैसे हमें टॉप मॉडल में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पूरा वुडन किट यहाँ से हमें रहने वाला है, जो हमारा साइड आर्मरेस्ट रहने वाला है, साइड पैनल्स हमारे हो गए, और हमारे जो डैशबोर्ड हो गया, पूरा वुडन किट यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो साइड में छोटी सी जगह है उसके ऊपर भी यहाँ पे हमें वुडन देखने को मिल जाता है टेक्सचर पूरा, ये वुडन टेक्सचर जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे पर्सनली। कितना ज्यादा अमेजिंग देखने में लग रहा है। और हमारे कुछ रहने वाला है कार में? और बैक साइड में अभी काम चल रहा है जहाँ पे स्पॉइलर इंस्टॉल हो रहा है, और यूआरएल जो होता है डिग्गी के नीचे पार्ट का होता है, उसको सेव करने के लिए एक यूआरएल लगता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट एक नंबर प्लेट के ऊपर भी एक क्रोमिंग होती है, वो भी मैं आपको बैक में अभी दिखाऊंगा। अच्छा, तो बैक की भी क्रोमिंग हमारी जो होने वाली है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारी अभी तक नहीं लगी है। नहीं लगी है अभी, अभी इंस्टॉल हो ही रही है। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन के बाद गाइस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारी अर्टिगा का काम हो चुका है कंप्लीट, और एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इसमें कर करके क्या दिया है। तो बात कर लेते हैं पहले फ्रंट से। तो यहाँ पे हमने क्रोम लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं लीक का हमारा एक क्रोम रहने वाला है, हेडलाइट क्रोम। इसी के थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा फॉग लाइट का जो रहने वाला है वो क्रोम रहने वाला है। यहाँ पे फॉग लाइट के यहाँ पे आप रिंग भी देख सकते हैं, फॉग लाइट का आप रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला है। और येलो कलर का यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देखने को इसका मिल जाता है, मिंडा कंपनी के फॉग लैंप्स रहने वाले हैं। रिंग का भी यहाँ पे हमें क्रोम देखने को मिल जाता है, और साथ में जो डीआरएल वाला प्लेसमेंट होता है उसका भी यहाँ पे हमें क्रोम देखने को मिल जाता है। लेकिन चलता हूँ आपको साइड में, तो यहाँ पे हमें जो रिम्स देखने को मिलते हैं और जो हमारे को व्हील कैप देखने को मिलते हैं, दोनों ही ग्रे कलर में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने फुल ब्लैक कर दिया है पेंट करके, फुल ब्लैक पेंट में आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। इसी के थोड़ा पीछे जो आपको मड फ्लैप दिख रहे होंगे, ये हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं इस कार में। अगर आपकी कार में नहीं है तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर से लगवा लें। इसके बाद जो हमारे ORVM का जो क्रोम रहने वाला है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें कटआउट मिल जाता है यहाँ पे इंडिकेटर्स का। इसी के थोड़ा ऊपर यहाँ पे हमने डोर वाइजर्स लगा के दिए, जो कि हमारे 6 पीसेज में डोर वाइजर्स रहने वाले हैं क्रोम लाइन में। इनके ब्लू को आप देख सकते हैं। इसी के बाद बात कर लूँ और क्रोम आइटम्स की, तो यहाँ पे हमने हैंडल क्रोम इंस्टॉल करके दिए, साथ साथ यहाँ पे हमने डोर गार्ड भी लगा के दिए हैं आईपॉप के। आगे वाले पीसेस जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और पीछे वाले थोड़े से छोटे साइज में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी में बात करूँ अगर मैं थोड़े नीचे की, यहाँ पे हमने साइड बिल्डिंग भी इंस्टॉल करके दिया, जो कि हमारी प्रॉपर अर्टिगा की रहने वाली है, जिसके आप देख सकते हैं इसमें भी हमें क्रोम का टच देखने को मिल जाता है। अब लेके चलता हूँ आपको बैक साइड में। तो रियर में हमने यहाँ पे जो हमारी टेल लाइट रहने वाली है इसका भी पूरा यहाँ पे क्रोम वर्क करके दिया है, आप देख सकते हैं। ये भी हमारी लीक कंपनी की रहने वाली है, और इसकी शाइन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे शाइन हमें गाइस देखने को मिल जाती है पूरे क्रोम की। साथ ही साथ रियर साइड में हमने यहाँ पे भी क्रोम इंस्टॉल करके दिया है, जो कि हमें टॉप मॉडल में देखने को मिलता है, वो क्रोम भी हमने यहाँ पे लगा के दे दिया है। और लोअर साइड में जो यहाँ पे क्रोम लगा होता है वो भी हमने इंस्टॉल करके यहाँ पे दे दिया है। इसकी भी लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है रियर साइड से अगर मैं बात करूँ कार की। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल नहीं करे हैं मैट्रिक्स वाले, अगर वो आप वो करवाना चाहते हो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे हमने मूविंग कैमरा इंस्टॉल करके दिया है, जो फुल HD रहने वाला है ये कैमरा हमारा। टेल लाइट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमने टेल लाइट गार्निश यहाँ पे इंस्टॉल करके दी है। बात करूँ अगर रियर की, तो यहाँ पर हमने स्पॉयलर्स इंस्टॉल करके दिया है, जो कि हमारे कार के ही कलर से बिल्कुल मैच करने वाले हैं, लेटेस्ट अर्टिगा से मैचिंग कलर में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात करोगे इनकी, तो यहाँ पे हमें लाइट भी ग्लो करने को यहाँ पे मिल जाती है ब्रेक दबाने पे। अगर स्पॉयलर्स के लाइट का अगर मैं आपको रिस्पॉन्स चेक कराऊँ एक बार, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ये हमारे ऐसे रेड कलर में यहाँ पे ग्लो करने को मिल जाती है यहाँ पे, और इसकी लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आती है हमारे कार की। तो यहाँ पे हमने विंडो गार्निश भी इंस्टॉल करके दिया है, जिसकी लुक आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से कर्व में जाता है पूरा साइड से होते हुए। जो हमारा पिलर होता है उस पर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, और पूरा आगे तक ये हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करूँ मैं विंडोज़ की, तो यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा होगा और यहाँ पे सारा आपको डार्क देखने को मैं लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमने फिक्स वाले कर्टेन इंस्टॉल करके दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर से भी। तो ये हमारे कुछ इस तरह के फिक्स वाले कर्टेन्स रहने वाले हैं, ब्लैक कलर में हमें देखने को मिल जाते हैं।
बात करो अगर रूफ की, तो यहाँ पे हमने रूफ रेल इंस्टॉल करके दिए हैं जो कि हमारे को ब्लैक और सिल्वर टच में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आने वाली है इसकी वजह से भी कार की हमारी। तो गाइस ये सब कुछ तो हो गया हमारा एक्सटीरियर, भैया अभी यहाँ पे कार साफ कर रहे हैं, तो आपको लेके चलता हूँ अर्टिगा के इंटीरियर में। तो डोर्स ओपन करते हैं, हमारे वेलकम होता है वेलकम लाइट्स के साथ जो कि हमारे को ब्लू कलर में ग्लो करते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बैक डोर्स का भी आपको मैंने दिखाया था, वो आपको एक और बार से मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक डोर्स में हमें थोड़े से छोटे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, अर्टिगा लिखा हुआ मिल जाता है हमें और ग्लो करते हुए देखने को मिल जाते हैं। साथ में भैया अभी यहाँ पे व्हाइट लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमें येलो कलर की लाइट्स इनबिल्ट मिलती है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे हमने व्हाइट कलर में इंस्टॉल करके दिए हैं और जो हमारा फ्रंट भी रहने वाला है वहाँ पे भी व्हाइट कलर की लाइट इंस्टॉल कर दी गई है। तो गाइस फाइनली मैं बात कर लेता हूँ इंटीरियर की, तो जो हमारे जो सीट कवर्स रहने वाले हैं और जो स्टीयरिंग रैप रहने वाला है वो हमें प्री इंस्टॉल्ड मिले हैं कंपनी की तरफ से ही। तो अंदर हमने क्या क्या करके दिया है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मेन चीज़ रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है वुडन इंटीरियर। तो हमें प्लेन बेज कलर में और ग्रे कलर में यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता देखने में, बहुत ही जो होता है ना बहुत ही सिंपल सा देखने में लगता है। तो जो हमें टॉप मॉडल में मिलता है ना यहाँ पे वुडन फिनिश में, वो काम हमने यहाँ पे करके दिया है। तो यहाँ पे हमने जो हमें पूरा जो पैनल मिलता है जो हमें देखने को यहाँ पे पूरा वुडन में रहने वाला है, चाहे मैं आपको ये दिखाऊं चाहे आपको साइड आर्मरेस्ट दिखाऊं, पूरा ही हमारा वुडन फिनिश के साथ देखने को यहाँ पे मिलता है। और आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज्यादा जबरदस्त लगती है देखने में, और इसका जो टेक्सचर रहने वाला है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है फील करने में। हमारे डैशबोर्ड के टक्कर का रहने वाला है बिल्कुल, और ये भी वुडन फिनिश आपको दिखाऊं तो कितनी ज्यादा अमेजिंग लुक आ रही है इसकी वो आप देख सकते हैं। और जो साइड का जो छोटा वाला पोर्शन है यहाँ पे भी हमें वुडन फिनिश देखने को मिल जाता है, और इसकी भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मेन बात होती है फिनिशिंग की। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छे से सेटल हो जाता है यहाँ पे हमारा साइड आर्मरेस्ट पे भी। और ये हमने एंड्रॉयड इंस्टॉल करके दिया है जिसका रिस्पांस मैंने आपको चेक करवा ही दिया, और रियर में मैंने आपको कैमरा भी चेक करवा के दे दिया है। तो गाइस काम कंप्लीट होने के बाद इसका प्रोफाइल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग लुक आ रही है इसकी, क्रोम और जो सारा हमने काम करके दिया उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने में लग रही है ये कार अब। तो गाइस बात कर लेते हैं हम अर्टिगा के ओनर से, तो भैया हमारे अर्टिगा के ओनर रहने वाले हैं, तो भैया अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम सुधीर कुमार गौतम है। तो भैया का नाम सुधीर कुमार गौतम है, इनके साथ और भी इनके फ्रेंड्स आए हैं तो बात कर लेते हैं बाकी सबसे भी। मेरा बेटा है। अच्छा, और आपका नाम? डॉक्टर सुरेंद्र प्रकाश गौतम इनका नाम। और भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश गौतम है, ये हमारा छोटा भाई है। अच्छा, तो पूरी फैमिली आई हुई है मतलब बेसिकली यहाँ पे। और भी आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार। तो आप भी फैमिली से हैं? मेरे दोस्त ही हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। तो बेसिकली कार भैया की है। तो भैया जो हमने काम करा आपका, तो आपको पता कैसे लगा कि हम ये काम करते हैं एक्सेसरीज का? हम लोगों ने YouTube पे सर्च किया था आपको, तो YouTube की तरह आपको। तो आप वीडियो के थ्रू हमारी शॉप तक आए हो, तो आपको जो हमने काम करके दिया जितना भी आपकी कार में, तो काम कैसा लगा आपको बेसिकली? काम तो सही है, अच्छा है, फिनिशिंग सब अच्छे से काम हुआ है। ठीक है, तो आपको काम बढ़िया लगा? अच्छा। तो आप आगे भी कभी कार लेते तो आएंगे हमारे पास, पसंद करेंगे आना? जरूर लेके आएंगे। ओके, हम लोग मित्र बन गए ये समझ लीजिए। थैंक यू भैया, आपका बहुत अच्छा है। ये मॉडिफिकेशन हुई है सनी कार एक्सेसरीज करोल बाग में, लोकेशन और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।